हम सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो हम कंप्यूटर्स को स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कमांड करते हैं। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर का मतलब एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिससे कोई भी पर्सन इमेजेस या मॉडल्स विजुअली एडिट या मैनिपुलेट कर सकता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स दो तरीके के होते हैं, एक रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स, जिसमें फर्दर 2D एंड 3D वेरिएंट्स अवेलेबल है। सो व्हाट इज रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स? रास्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होती हैं जो पिक्सल बेस्ड होती हैं, एंड वेक्टर ग्राफिक्स जो पिक्सल पे बेस नहीं करती है। अब पिक्सल क्या होता है? पिक्सल्स एक तरीके से स्क्वायर ग्रिड होती है जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब यही मिलियंस ऑफ पिक्सल्स पूरे एक इमेज को बनाते हैं। जब हम इन पिक्सल्स बेस्ड इमेजेस को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा या छोटा करते हैं तो वो इमेजेस ब्लर हो जाते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फोटो फट जाती है। लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स ऐसे नहीं होते, बिकॉज ये ज्योमेट्रिकल बेस्ड होती हैं, यानी इमेजेस लाइंस या शेप से बनी होती है। और जब हम वेक्टर ग्राफिक्स को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये लाइन के अकॉर्डिंग कलर्स भी ईजिली चेंज हो जाती है, जिससे इमेज की क्वालिटी सेम रहती है। क्या आप जानते हैं सबसे पहला ग्राफिक सॉफ्टवेयर सुपर प्रिंट 1972 में रिचर्ड शोप ने लेके आया था, जो कि अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एंड जेरोक्स पार्क रिसर्च सेंटर में काम करते थे। सुपर प्रिंट उन सभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में से थी जो क्रिएटिव आर्टवर्क्स, वीडियो एडिटिंग एंड कंप्यूटर एनिमेशन के लिए यूज होती थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में। अमेजिंग बात यह थी कि सुपर प्रिंट स्टैंडर्ड वीडियो में से इमेजेस को कैप्चर कर सकता था, एंड उसमें कई सारे एम्बिगुअस फीचर्स थे, जैसे सैचुरेशन, वैल्यू ऑफ ग्राफिकल डेटा, वर्चुअल पेंट ब्रशेस, पेंसिल्स, कस्टम पॉलीगॉन्स एंड लाइंस। साथ ही ये सॉफ्टवेयर सबसे पहला ग्राफिक प्रोग्राम है जिसमें यूजर इंटरफेस को एडिट किया जा सकता था। लेकिन आज की दुनिया में ये सब चुटकी बजाते ही हो जाता है। हमारे पास इतनी सारी डेवलप्ड एंड हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो हमारे वर्क कुछ ही घंटों में कर देता है। आपने तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी सुना होगा, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह। बट आज मैं यहाँ उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कुछ ही लोग जानते होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, स्केच। स्केच एक मैक ओनली ग्राफिक डिजाइन प्रोग्राम है जो फोकस करता है डिजिटल डिजाइन में। ये डिजिटल डिजाइन वेबसाइट्स, एप्स और इंटरफेसेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। एंड मैक ओनली से मेरा मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ मैक में ही चल सकता है और किसी में नहीं। स्केच फोटोशॉप जैसे फोटो एडिटिंग या प्रिंट वर्क में यूज नहीं होता है, जबकि इसका यूज एक प्रोटोटाइप क्रिएट करने में होता है जो दूसरे डिजाइनर के साथ यही प्लेटफॉर्म में कोलैबोरेट करने का मौका देती है। इस प्रोग्राम में स्मार्ट लेआउट फीचर्स है जो कोई भी अपने कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली रिसाइज कर सकता है कंटेंट के बेस में। साथ ही इसमें हंड्रेड्स ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप वेक्टर एडिटिंग और दूसरे डिजाइन वर्क जैसे डिजिटल आइकॉन्स को इजिली क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हर सॉफ्टवेयर की तरह इसमें भी कुछ कमी है, वो ये कि स्केच में आप प्रिंट डिजाइन या इलस्ट्रेशन जैसे चीजों के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, सो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा। नंबर 2, लूनेसी। लूनेसी एक ऐसा फ्री एंड सुपर फास्ट ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली UI, UX एंड वेब डिजाइन के लिए बनी है। इस सॉफ्टवेयर में आपको उन सभी एप्स की फैसिलिटी के साथ और कई सारे फीचर्स मिलेंगी जो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए एसेंशियल है। जितना टाइम आपको गूगल में ग्राफिक्स खोजने में लगता है, उससे भी कम टाइम पे आप लूनेसी में थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स, इलस्ट्रेशन और फोटोज वगैरह का यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, AI आज की हैवी टास्क को बहुत इजीली और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देता है। इस सॉफ्टवेयर में भी AI पावर टूल्स आप यूज कर सकते हो जो आपके रूटीन टास्क को आसानी से एक मिनट के अंदर करके दे देगा, जैसे बैकग्राउंड को रिमूव करना, इमेज को अपस्केल करना, अवतार या टेक्स्ट को जनरेट करना। आपने फिग्मा के बारे में शायद सुना होगा जो कि एक डिजाइनिंग टूल्स अवेलेबल करवाती है, बट इसमें डिजाइनर्स को ऑनलाइन होके वर्क करना पड़ता है। बट लूनेसी में आप ऑफलाइन वर्क कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन भी वर्क करते हो तो इसमें आप अपने फेलो डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। लूनेसी में ऑलमोस्ट 21 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और ये मैक, विंडोज और लिनक्स में एक्सेसिबल है। नंबर 3, मेगा क्रिएटर। अगर आप बिगनर हो ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में तो मेगा क्रिएटर आपके लिए बेस्ट है।
क्योंकि मेगा क्रिएटर में आपको प्री मेड एलिमेंट्स मिलेंगे ग्राफिक डिज़ाइन के, जिससे आप कैचे ग्राफिक्स बिल्ड कर सकते हो। ये टूल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो वेब मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, कॉपी राइटिंग या किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्राफिक्स बना रहे हैं। मेगा क्रिएटर के थ्रू आप प्रो लुकिंग पिक्चर्स शॉर्ट टाइम पे बना सकते हो, प्लस इसमें आप थाउजेंड्स ऑफ फ्लैट एंड 3D स्टेशंस को कस्टमाइज कर सकते हो, फोटोज़ को कट करके उसे डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर सकते हो और साथ ही AI जनरेटेड फेसेस का बेनिफिट अवेल कर सकते हो। मेगा क्रिएटर्स बिगनर्स को इंस्पायर करने के लिए बेसिक टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है एंड ये सब करने के लिए स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब अगर आप बिगनर हो तो ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो कम समय में। नंबर 4, एफिनिटी डिज़ाइनर। एफिनिटी डिज़ाइनर जो कि इलस्ट्रेटर का चीपर अल्टरनेटिव है और उन लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है जो अपने डिज़ाइनिंग करियर में अर्ली स्टेजेस में है, यानी बिगनर्स। ये सॉफ्टवेयर्स को स्मूथ करने के लिए जाना जाता है, जिससे आप अपना वर्क फ्लो और अपने क्रिएटिविटी फ्री दिखा सकते हो। एफिनिटी डिज़ाइनर की मदद से आप कोई भी आर्ट वर्क को 60 FPS पे मूव और जूम करके ये देख सकते हो कि ग्रेडियंट्स, इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट्स, कर्व वेरिएंट्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, वो भी लाइव। ये सॉफ्टवेयर वेक्टर एंड रास्टर वर्क स्पेसेस दोनों में वर्क करता है, प्लस डिज़ाइनर्स वेक्टर्स या ग्राफिक्स में इजी स्विच कर सकते हैं। एफिनिटी डिज़ाइनर बहुत सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे आप अनलिमिटेड आर्ट बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। एडवांस कलर कंट्रोल्स के थ्रू आप RGB और लैब कलर स्पेसेस पे अप टू 32 बिट्स पर चैनल पे काम कर सकते हो। वाइड रेंज ऑफ टूल सेट आपको प्रोग्राम में मिल जाएंगे, जिससे आप हाई लेवल के एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पाओगे। बिगनर्स के कंफर्ट के लिए ये सॉफ्टवेयर यूजर्स को ग्रिड्स एंड गाइड्स प्रोवाइड करता है, वो भी फुली कस्टमाइज, जिससे आप स्पेसिंग, सब डिविजन्स, एंगल्स एक्सेट्रा चेंज कर सकते हो। साथ ही ये सॉफ्टवेयर आपको फ्लोटिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है, जो आपके आर्ट वर्क को 1,000,000% से भी ज़्यादा एक्यूरेटली जूमिंग करने में हेल्प करेगा। एफिनिटी डिज़ाइनर को आप विंडोज़, आईपैड और मैक में आसानी से यूज़ कर सकते हो। नंबर 5, कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और यूट्यूब पे इसके कई सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, तो इसको शॉर्ट पे कवर करते हैं। कोरल ड्रॉ सबसे पहले विंडोज़ के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब ये मैक में भी अवेलेबल है। इस ग्राफिक डिज़ाइन प्रोग्राम के थ्रू आप प्रोफेशनल वेक्टर इलस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकते हो। इन एडिशन टू दिस, इसमें आपको पावरफुल डिज़ाइन टूल्स मिलेंगे जो वर्क को करने के तरीके को फास्ट और स्मार्ट कर देगा। कोरल ड्रॉ आपको अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे आप लोगोस, वेब डिज़ाइन और प्रिंट ऑब्जेक्ट जैसे टास्क को इफेक्टिवली कम्प्लीट कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोरल ड्रॉ में अब AI टेक्नोलॉजी आ गई है, जो लाइव स्केच प्रोवाइड करती है, जिसके हेल्प से यूजर्स स्केचिंग को वेक्टर कर्व्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 100 फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। वेब ग्राफिक टूल्स एंड प्रीसेट्स के थ्रू यूजर्स एक क्रिएटिव वेब कंटेंट डेवलप कर सकते हैं एंड उसे वर्डप्रेस साइट पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशंस या वेक्टर्स क्रिएट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से कोरल ड्रॉ आपके लिए सही रहेगा। नंबर 6, ज़ारा डिज़ाइनर। ज़ारा डिज़ाइनर बिट मैप्स एंड वेक्टर्स दोनों के लिए बिल्ड की गई है। ये प्रोग्राम डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, इलस्ट्रेशंस, फोटो एडिटिंग एक ही जगह पर हैंडल कर सकता है। ज़ारा डिज़ाइनर्स बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह हंड्रेड्स ऑफ टैम्पलेट्स, लेआउट्स, डिज़ाइन एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। पर ट्विस्ट ये है कि इन टैम्पलेट्स के साथ आपको मिलियंस ऑफ RK फोटोज अवेलेबल करवाता है, जो आपके वर्क को जल्दी स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर में कोई भी शेप, लाइन्स और कर्व वेक्टर्स को यूज़ करके ड्रॉ करोगे तो आपकी इमेज जूम इन या जूम आउट होने पर इसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। ज़ारा डिज़ाइनर्स अपने यूजर्स को कस्टम डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड टूल्स जैसे ग्रेडियंट्स, आउटलाइंस एंड ट्रांसपेरेंसी को अपने डिज़ाइन में यूज़ करने का बेनिफिट देता है एंड ये सॉफ्टवेयर आप विंडोज़ पर इजली एक्सेस कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज़ द वीडियो। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फेवरेट सॉफ्टवेयर है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।